विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। दूसरी लिस्ट में टुंडी से विकास महतो को उम्मीदवार बनाया गया है। उम्मीदवार बनाए जाने के बाद विकास महतो ने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। देखिए, सबसे पहले मैं केंद्रीय नेतृत्व, हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, प्रदेश कमेटी के, भाजपा के तमाम हमारे लीडर सभी को मेरा जोहार है, प्रणाम है, जिन्होंने मुझ जैसे एक साधारण लड़के को विश्वास जताया और मैं विश्वास पे खरा उतरूंगा और टुंडी विधानसभा मैं चुनाव जीत कर जरूर आऊंगा। सुदेश महतो के बीच चुनाव लड़ने की चर्चाएं थी, उनके बीच में आपको टिकट दिया गया है। मैं आदरणीय सुदेश भैया को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने हम लोगों को लेकर, चूंकि वो लड़ते हैं, हम लड़ते हैं, एनडीए ही चुनाव लड़ता है और हम लोग का मूल मकसद है कि ये जो अभी निकम्मी सरकार है इसको उखाड़ के फेंकना और झारखंड में एक सुशासन की सरकार बनाना। टुंडी की जनता विकास महतो को जानती है, टुंडी में जो समुचित विकास नहीं हुआ है इसीलिए विकास को वो मौका देगी। देखिए, सबसे पहले मैं केंद्रीय नेतृत्व, हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, प्रदेश कमेटी के, भाजपा के तमाम हमारे लीडर सभी को मेरा जोहार है, प्रणाम है। दुमका के रानीश्वर प्रखंड में धड़ल्ले से बालू की तस्करी हो रही है। जिले के मयूराक्षी नदी में कई ऐसे घाट हैं जहां अवैध रूप से बालू का उठाव हो रहा है। बालू तस्कर इतने शातिर तरीके से काम कर रहे हैं कि पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लग पा रही है। जैसे ही बालू माफियाओं को पुलिस की भनक लगती है वो चंपत हो जाते हैं और पुलिस के हाथ फिर खाली रह जाते हैं। जरमुंडी विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी बादल पत्रलेख ने बासुकीनाथ निजी धर्मशाला में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए बादल पत्रलेख ने बताया कि कार्यकर्ताओं से आगामी चुनावों को लेकर विचार विमर्श किया गया है। पिछले लोकसभा चुनाव में क्या रिजल्ट हुआ था उसकी विवेचना की गई कि हमें इस वर्तमान समय में वर्तमान गठबंधन की सरकार ने जो काम किए हैं वो काम गिनाए गए, जो हमने विकास के कार्य किए हैं वो गिनाया गया, जो हम लोगों के सुख दुख में काम आए हैं उन बातों की याद दिलाई गई और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसको हमने अख्तियार किया। हम आज अपनी कहने से ज़्यादा उनकी सुनने आए थे क्योंकि वो हमारे वॉरियर्स हैं। बूथों पर उनकी मौजूदगी ही किसी पार्टी की हार और जीत को सुनिश्चित करती है, तो आज हमने उनको बड़ी ध्यान से सुना और अपने सुझाव जो उन्होंने हमसे मांगे वो हमने दिया। बाबा वासुकीनाथ की नगरी है, उनकी कृपा हमेशा बनी रहे और देवतुल्य जो हमारे मतदाता हैं उनसे फिर हमने अपील किया है कि फिर आपका आशीर्वाद के हम प्रार्थी हैं, हमें मौका मिलना चाहिए। पिछले लोकसभा चुनाव में क्या रिजल्ट हुआ था उसकी विवेचना की गई कि हमें इस वर्त